यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी हम स्टॉक्स यहाँ बताते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से बताते हैं और उसमें जो एंट्री का पॉइंट होता है या तो आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं तब करें या तो कहीं पे ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक तब करें, क्योंकि ब्रेकआउट अगर होता है लॉन्ग टर्म पर्पज से तो फिर आपको स्टॉक नीचे के प्राइस पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर रिजल्ट में थोड़ा बहुत गिरावट आता है, जैसे अभी रिजल्ट का टाइम है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट जो इंक्रीज होंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के, स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, जितने स्टॉक्स आपको बताते हैं हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स बताएं जो लॉन्ग रन में आपको हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न दे। तो हमारा कोशिश हमेशा रहता है और आपकी तरफ से हम यही आशा करते हैं, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है, जो कंपनी का रेवेन्यू है प्रॉफिट है उसको देखते हैं, फिर हम इसके बैलेंस शीट को देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो रेशियोज है उसको भी देखेंगे। यहाँ देखिए, टोटल जो रेवेन्यू है कंपनी का 1069 करोड़ का, और अगर वही बात करें पीछे के समय में तो यहाँ पर 2012-13 में देखिएगा मात्र 581 करोड़ का था 2012 में, 2013 में 605 करोड़ का। तो इस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कंपनी का जो रेवेन्यू है। अगर हम आप प्रॉफिट पे चलते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है कितना इंक्रीज हुआ है उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 158 करोड़ हो चुका है, जबकि यहाँ पर 2012 में जो था 24 करोड़ था, तो 24 करोड़ से इंक्रीज होकर के 158 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। उसका कारण क्या है, तो एनुअल प्रॉफिट मार्जिन देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है, 4.15% का था 2012 में और वो इंक्रीज होकर हो गया 15.31, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉफिट में ज़बरदस्त इंक्रीज देखने मिला है, जबकि 600 करोड़ से मात्र 1000 करोड़ हुआ था रेवेन्यू में इंक्रीज और यहीं पर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें यहाँ पर आप जब जाएंगे शेयर होल्डर्स फंड में, तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास है 20.6 करोड़ का, और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस जो है टोटल कंपनी के पास वह है 790 करोड़ का, और ये लगातार इंक्रीज हुआ है। 2012 में मात्र था 226 करोड़ का, वहाँ से इंक्रीज हुआ कंटिन्यूस रूप से और अभी 790 करोड़ का हो चुका है, लगभग 800 करोड़ के पास, तो काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है जो कंपनी का रिजर्व और सरप्लस है। वहीं बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हम प्रमोटर्स के स्टेक को खास रूप से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 52% का प्रमोटर्स का स्टेक है, 52.6, और प्रमोटर्स का स्टेक जो है लगातार कांस्टेंट रहा है, लगभग देख सकते हैं थोड़ा बहुत 1% के आसपास उतर चढ़ रहा है, नहीं तो लगभग कांस्टेंट है 2019 से। और वहीं पर बात करें इसमें जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 1.85% है, और वहीं FIs का होल्डिंग लगातार इसमें बढ़ रहा 8.94%। देखिए, इतना स्टॉक अच्छा है, FIs लगातार इस पर अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 35% का है, और यहाँ पर जो अदर्स होल्डिंग है 1.4% है। तो इस तरह से कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक हम कम से कम 40-50% लेते हैं, तो वैसा यहाँ उपलब्ध है इस शेयर में, तो काफ़ी बेहतरीन साइन है ये। अब बात करें इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, तो पहले ये स्टॉक है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, और इसका मार्केट कैप की बात करें 6,967 करोड़ का है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है, और मिड कैप स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन दोस्तों ये फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है और इसका जो सेक्टर है वो सेक्टर उतना बड़ा नहीं है कि ये स्टॉक को काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तो ये सेक्टर को भी देखना पड़ता है। सिर्फ आप ये मत देखिए जैसे बैंक में HDFC बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया को बहुत बड़ा मतलब इसका रीजन है, और जब इसके बिजनेस को देखेंगे तो बताएंगे आपको कि इसका सेक्टर ही लिमिटेड है, तो ये स्टॉक उतने बड़े होने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब करेंट प्राइस की बात है 3,379 रुपीज़ के आसपास है, डिविडेंड की बात है 0.21% का डिविडेंड यील्ड भी देता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात है 24.5% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4% है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, हर पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। अगर हम बात करें इसके पीयर कंपैरिजन का, तो कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन है वो कर लेते हैं, तो पीयर्स में
यहाँ पर थोड़ा कुछ अच्छे से आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए पियर्स में तो गरवारे टेक्निकल फाइबर, तो देखिए गरवारे टेक्निकल फाइबर है और इसका देखिए मार्केट कैप 7100 जो कि काफ़ी छोटा है, जबकि और सब जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको आलोक इंडस्ट्री, वेल्सपॉन इंडिया, मतलब ये टेक्सटाइल रूप से बनाती है, टेक्निकल टेक्सटाइल बनाती है ये कंपनी। तो और सब जो कंपनी है उसके कंपेरिजन में इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, मतलब एक मिड कैप कंपनी और मिड कैप में भी छोटी कंपनी, जबकि और सब जो कंपनी है वो भी मिड कैप है लेकिन वो इससे मार्केट कैप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर वेबसाइट पा सकते हैं garbarefibers.com, और यहाँ पर जब आते हैं देखिए जो फिश में यहाँ पर जो नेट बनाया जाता है वो कंपनी बनाती है। एक्वा कल्चर में जो यूज होता है आप देख सकते हैं, एक्वा कल्चर में जो यूज होता है वो नेट बनाती है। फिर यहाँ पर शिपिंग और इंडस्ट्री में जो टेक्निकल यहाँ पर रॉप सब यूज होता है तो वो कंपनी बनाती है। यार्न और थ्रेड्स में जो यहाँ पर यूज होते हैं वो प्रोडक्ट बनाती है। स्पोर्ट्स में जो आप देख सकते हैं ये जो यूज होते हैं स्पोर्ट्स में जो फाइबर वो कंपनी बनाती है। और जो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी को ऊपर से ढकने के लिए जो क्वेटेड फैब्रिक्स है वो बनाती है कंपनी। फिर एग्रीकल्चर में यहाँ पर देखते हैं जो एग्रीकल्चर हाउस बनाते हैं उसमें जो फाइबर यूज होते हैं वो कंपनी बनाती है। फिर जियो सिंथेटिक फाइबर देखते हैं, जियो सिंथेटिक फाइबर यहाँ पर जो यूज हुआ है ब्रिज को बनाने में वो जियो सिंथेटिक फाइबर ये कंपनी बनाती है। तो प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाई है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें वैसा कोई मतलब बहुत बड़ा FMCG या बैंकिंग के जैसा इसमें बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है कि ये कंपनी बहुत बड़ी होनी चाहिए HDFC बैंक के जैसा। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो भी लिमिटेड है, लिमिटेड बिजनेस में ये लीडर है। देखिए लीडर को पकड़ना है आपको, तो ये जैसे HDFC बैंक लीडर है तो ये भी लीडर है, जैसे HUL लीडर है FMCG का तो ये कंपनी भी, ये सारे जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी लीडर कंपनियां है। आपने देख लिया कि प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है और कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है, तो हर पैरामीटर्स पर काफ़ी बेहतरीन है। तो आप कैश फ्लो देख लेते हैं, कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है, देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो लगातार बढ़ा भी है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। अब नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये भी कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव रहा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव रहा है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट का। देखिए चार्ट काफ़ी देखना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप चार्ट देखना नहीं जानते तो फिर आपको ITC जैसे शेयर में आप इन्वेस्ट करके जिंदगी भर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ITC में हम 260 रुपया पे इन्वेस्ट किए थे, उसको एक बार 300 के ऊपर सेल किए जब हम नए में स्टॉक मार्केट आए थे, फिर से 250 पर सेल किया, उसको फिर से लॉस पे बेचना पड़ा क्योंकि ITC नीचे आ गया 200 रुपया के आसपास, तो 210-220 पे हमने बेच करके उसको लॉस लिया, मतलब जितना प्रॉफिट लेते उतना लॉस बराबर हो गया। क्यों? चार्ट देखने में था ITC के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बिजनेस लीडर है, कई सारे कंपनी होटल बिजनेस लीडर है, कंपनी का जो स्टेशनरी प्रोडक्ट है वो भी है, टोबैको कंपनी है उसमें भी लीडर है, तो कई सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस में कंपनी लीडर है ITC, उसके बाद परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो जो कंपनी चार्ट पे परफॉर्म करती है फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो पहले तो हम भी फंडामेंटल आपको बताते हैं फिर चार्ट पे लेकर आते हैं। तो देखिए ये स्टॉक भी यहाँ पर लंबे समय तक, देखिए 2008 से लेकर के यहाँ पर देखिए 2013 तक लगभग 4 से 5 साल तक चार्ट पे ये स्टॉक परफॉर्म ही नहीं किया, 4 साल तक स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पर लेकिन आपको लॉस भी नहीं दिया, लॉस नहीं दिया तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, मतलब उसको रख सकते हैं, लेकिन जैसे ये चार्ट पे रनिंग करना शुरू किया तो आप इस पर मतलब इन्वेस्ट करिए और बने रहिए, क्योंकि चार्ट पे ये स्टॉक आप देख सकते हैं परफॉर्म करना शुरू किया। तो कई सारी ऐसे स्टॉक होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन चार्ट पे वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, परफॉर्म करेगा ITC भी आने वाले समय में परफॉर्म करेगा, लेकिन पिछले कई सालों 4-5 सालों से परफॉर्म नहीं करा है, जबकि 4-5 सालों में कई सारे स्टॉक 10 गुना 20 गुना हो चुके हैं। तो वैसे स्टॉक को पकड़िए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कई सारे स्टॉक हैं, 5000 कंपनियों में लगभग 500 कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिल जाएंगे, तो उस 500 कंपनियों में आपको वो स्टॉक चुनना है जो कि चार्ट पे रनिंग कर रहा है। तो देखिए चार्ट पे रन कर रहा है, तो ये स्टॉक कब अब बाय करना है, जब ये करेक्शन दिखाता है, देखिए कभी भी गिरावट हो आप इसको बाय करते रहिए SIP मोड में, ये स्टॉक एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग रन में इसको ऊपर ही जाना है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये गिरावट दिखाए, तो शॉर्ट टर्म में जैसे गिरावट दिखाता है वैसे बाय कर लेना है, तो बस अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, जैसे गिरावट होता है तो बाय कर लीजिए इस स्टॉक को। अगर हम बात करें क्या लेवल है, तो
तो देखिए लेवल भी आपको हम बता देते हैं किस लेवल पे आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये कभी भी ये 2600 के आसपास मिल जाए, उसके नीचे मिल जाए तो और अच्छा है। तो 2600 के आसपास जब भी आ जाए तो वहाँ पे छोड़ना नहीं है। ये कब आएगा? जब मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आएगा या टेम्पोररी बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने मिले, तभी आपको देखने में। कभी भी कोई इंटरनल इश्यू हो जाता है कंपनी में तो कंपनी को बाय नहीं करना है। जैसे यस बैंक इंटरनल इश्यू है, कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, तो इसी तरह से कोई भी इंटरनल इश्यू आता है आपको बाय नहीं करना है। जैसे पीसी ज्वेलर्स हो गया, बेकरांग ये होगा, इंटरनल इश्यू कारण वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कोई भी इंटरनल इश्यू हो उस स्टॉक से एग्जिट कर दे, उसको बाय नहीं करना है। टेम्पोररी बेसिस कोई भी गिरावट होता है तो आपको इस स्टॉक में एंट्री करना है। बस क्वांटिटी आप जो है जैसे लेंगे तो 50% लेंगे, फिर अगर गिरावट होता है तो नीचे लेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर लेंगे। तो इस तरह से आपका कुछ रहना चाहिए स्ट्रेटेजी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।